अपनी साथ जोड़ाया छे चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट लिमिटेड ना सीएमडी विजय सेठिया। विजय जी स्वागत छे आपनु सीएनबीसी बजार पर, गुड इवनिंग। अने सौथी पहला तो आ जे सरकारे जे अहीं आगळथी आदेश कर्या छे किंमतો ઘટાડવાના આ પગલાને, સરકારના આ પગલાને આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો, આપની કઈ રીતની પ્રતિક્રિયા રહેશે? ऐसा है, देखिए मैं हिंदी बोलता हूँ, मेरे को गुजराती नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूंगा कि सरकार का क्लियर कहना था, सरकार की तरफ से ये था कि आप सारी दुनिया को चावल वाजिब दाम भाव पे एक्सपोर्ट कर रहे हो और इंडिया के अंदर ये अगर रेट ज्यादा है और आप दुनिया में चावल जो भेज रहे हो वाजिब रेट पे, उसी हिसाब से इंडिया में भी आपको अपना काम ढंग से करना पड़ेगा। और सरकार का ये भी कहना था कि हम चावल इंडिया में 7.5 लाख टन अगले हफ्ते ही बेचने का एक ऐसा प्रोग्राम दे रहे हैं जिसमें छोटा दुकानदार जो रिटेल करता है वो चाहे 1 टन चावल खरीदे, ठीक है, और उन्होंने मैनेजर प्रोक्योरमेंट ऑफिस की ड्यूटी लगा दी कि जिस किसी को भी चावल का सैंपल देना है वो इनके ऑफिस में जाके सैंपल भी दे सकता है और FCA का चावल और बाजार का चावल जो है उसको उन्होंने आमने सामने रख के चावल भी दिखाए कि FCA अच्छा चावल देगी, जो खाने के लिए दे रही है, जो स्टैंडर्ड है वो मानक के हिसाब से, स्वास्थ्य के हिसाब से अच्छा है। और जो 7.5 लाख टन चावल सरकार इंडियन मार्केट के लिए देगी वो 29 रुपए पर केजी के हिसाब से उन्होंने उसका बेसिक प्राइस रखा है और 7.5 लाख टन से उनका अभिप्राय है कि शायद ये 29 रुपए 5 पैसे 10 पैसे इस भाव में बिकेगा। और सारी इंडस्ट्रियों को, सारी एसोसिएशनों को उन्होंने कहा कि सरकार के इस काम में आप सहयोग करो, इस चावल को लेके आप खुद भी रिटेल करो और कम रेट पे लोगों को चावल सप्लाई। जी तो विजय जी, ये जो आपने कीमत बताई है, इस कीमत पे FCI का चावल आता है मार्केट में, तो एक तरफ सरकार ने आदेश में ही कहा है अन्य सारी कंपनियों को, चावल के कंपनियों को, कि कीमत घटाएं और FCI का चावल की सप्लाई आएगी, तो दोनों तरफ से कीमतें घटने की संभावना बन रही है, कितनी कीमतें कम हो सकती है? देखिए ऐसा है कि सेंटीमेंट से ही कीमत ऊपर जाती है और सेंटीमेंट से ही नीचे आती है, ठीक है, क्योंकि सेंटीमेंट से अगर देखे जाए तो इंडिया में कोई कमी नहीं है चावल की, सरकार ने सारे आंकड़े सामने रख दिए। दूसरा, इलेक्शन की वजह से छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और एक आध और स्टेट में चावल की प्रोक्योरमेंट समय पर नहीं हुई, लेकिन फसल पूरी है। अच्छा, पंजाब हरियाणा में भी कुछ अड़चन चल रही थी, FCI की चावल की मिलिंग नहीं हो पा रही थी, जो धान इन्होंने खरीदा हुआ है अब वो भी सब सेटल हो गया। तो सारी चीज़ें, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान इस बात में है कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं, उपभोक्ता हैं, उनको सही रेट पे ही चावल मिलना चाहिए और वो जैसे गेहूँ के लिए भारत आटा बनाया गया उसी तरह ही भारत चावल का भी प्रोग्राम सरकार बना रही है कि जो सरकार देश में 80 करोड़ लोगों को चावल वाजिब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है उनकी जरूरत के हिसाब से, तो वो बाकी देशवासियों को भी चाहती है कि चावल सही वाजिब दाम पे ही मिले। उन्होंने ये भी नोट किया कि MRP के अंदर भी लोग गलती करते हैं, MRP बहुत ज्यादा दिख देते हैं, उसकी वजह से कंज्यूमर के साथ मुनाफाखोरी हो रही है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी कि 100 रुपए का रेट लिखा हुआ और चावल बिक रहा है वो 55-60 रुपए में, वो कहते हैं उसकी जो MRP है अगर आपने 65-70 लिख देते हो तो उसके जो बड़ी सप्लायर है, होलसेलर है, उनके लिए भी ये संदेशा दिया कि इसको भी ठीक करो। जी जी।